पंजाब के पटियाला में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच आज निहंग सिखों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। निहंग सिखों ने पहले अपनी गाड़ी से बैरिकेड को टक्कर मारी और फिर तलवार से एक ASI का हाथ काट दिया। इस घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस घटना में कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जाने आखिर निहंग सिख कौन होते हैं। दरअसल निहंगों को उनके आक्रामक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। परंपरागत हथियार रखने वाले सिखों को ही निहंग सिख माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे सिख पूर्ण रूप से दशम गुरुओं के आदेशों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। दशम गुरुओं के काल में ये सिख गुरु साहिबानों के प्रबल प्रहरी होते थे। इन सिखों के बारे में ये भी बताया जाता है कि सिख धर्म पर हमला हो जाए तो ये निहंग सिख उस समय अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सिख और गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी सांस तक रक्षा करते हैं। अपने धर्म के लिए हर समय समर्पित होते हैं निहंग सिख। निहंग सिख अपने धर्म के लिए हर समय समर्पित होते हैं और आम सिखों को मानवता का विशेष ध्यान रखने की ओर प्रेरित करते रहते हैं। निहंग सिखों के धर्म चिन्ह आम सिखों की अपेक्षा मजबूत और बड़े होते हैं। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक जितने भी जीवन संस्कार होते हैं सिख धर्म के अनुसार ये उनका प्रेम से निर्वहन करते हैं। बता दें कि आज शाही शहर पटियाला के सनौर सब्जी मंडी के पास निहंग सिखों की पुलिस वालों से तकरार हो गई, जिसके चलते गुस्से में आए निहंग सिखों ने पुलिस वालों के ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक ASI का हाथ काट दिया गया, वहीं अन्य तीन और पुलिस कर्मियों को भी जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन सब पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो गया है। ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।